शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कितने काम का आदमी है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो हमारे साथ। अरे आओ तो सारी। हम कहा था जब आपस में निभ नहीं सकत है तो गले में फंदा डाले रखने से फायदा ही। किसके गले में फंदा डाले हैं? कौन डाले हैं? और कौन डाले? हम डाले। हम दिन रात चलत रात है, जीना हराम हो गया इस घर में। जब भगवान ने दिया ही नहीं तो इसमें हमारे का दोष? हाँ हाँ, सब दोष तो हमारी है। एक खातिर तो कहा है हम के साथ रहने से का फायदा। लेकिन तुम ही बताओ हम क्या करें? करना धरना कुछ ना, हम सब बंदोबस्त करके आए हैं, बस सिर्फ इस पे दस्तखत कर दो। ये क्या है? छुटकारे का कागज। छुटकारा? हाँ, हम तो उसे तलाक लेना चाहते हैं। हाँ, जब कोनो मेल ही नहीं तो संबंध रखने से क्या फायदा। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। हम इस घर से कहाँ जाएंगे? अब तो इस घर से हमारा अर्थ ही निकलेगी। देखो इतने से बात के लिए हमें इतने बड़े सजाना तो हम सच कहते हैं, हम किसी भी कोने में पड़े रहेंगे तो हर सामने नहीं रहेंगे। हम तो हर पाँव पड़ते हैं। हम इस घर से निकालो, हम इस घर से निकालो। बहू तुम्हें बता, तुम्हें बता इतवारिया, इसमें हमारे क्या कसूर है? हर कौनो कसूर नहीं चला। अरे देख देख, हाँ। किशन आ रहा है। किशन, अरे हाँ देखो तो, कैसे गर्दन उठाए के घूम रहा है, घर में का हो रहा है जैसे जानत ही नहीं। अरे बेशरम है बेशरम, जैसन करिए वैसन भरिए। हाँ बहन, जो दूसरन का बुरा चाहेगा उसका भी बुरा होगा। भगवान आंखें बंद किए थोड़ी बैठा है, चल चल। आज तो बहुत कुछ मिला। इतवरिया, इतवरिया, जल्दी कर, मालिक का माथा बहुत गर्म है। अरे धूप में घूम घूम के माथा न गर्म हुई तो का पेट गर्म हुई? बताया नहीं कहाँ गए थे? खेत की तरफ। खेत की तरफ? अपनी फसल देखी है ना? हाँ सब कुछ देखा। इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है, ये सब शंभू की मेहनत का फल है। जानते हो आजकल वो शराब भी नहीं पीता। काहे पिएगा, तुम्हारी कसम जो खाई है। हराम जाते उल्लू के, गाड़ी भी तुझसे नहीं चला दी बराबर है, पेट्रोल के लिए चलता है उल्लू का। ये पेट्रोल के लिए पैसा किधर देता है? जयराम जी की किशन भैया, कहाँ से आ रहे भैया? जन्नूम से। ठीक ही कहते हो भैया, जब मन को शांति ना हो तो सारी दुनिया जहन्नमी तो लगती है। न जाने तुम्हें इतने सारे दुख कैसे सह लेते हो। कोई और होता भैया तो जहर खाकर मर जाता, लेकिन भैया तुम जरा सोचो, कोई जानबूझकर जहर खाता है क्या? तुम अमृत पियो भैया, अमृत। का मतलब? बड़े सीधे हो भैया, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास सब कुछ है भैया, सिर्फ संतान नहीं है। इसलिए दुनिया वाले न जाने क्या क्या बातें करते हैं। मैं जानता हूँ तुम में कोई खोट नहीं है, लेकिन संतान न हो भैया तो पुरुष का जीवन सफल नहीं होता। तुम शादी कर लो। बकवास ना कर, जानत नहीं हमारी शादी हो ही चुकी। शादी हो चुकी ना, उससे संतान तो नहीं हुआ ना। एक रास्ता बंद है तो दूसरा खुला।
तुम्हारा सत्यानाश लौकी चुरा रही हो, बुढ़ापे में तुम्हें शर्म नहीं लगती है? ए बड़ी बहू, अरे चाचा कोई घर चुरा कर थोड़ी नहीं जा रहे हैं, लौकी तो तोड़ी और का, तेरे बाप का माल है काहे को तोड़ी? ए बड़ी बहू जल्दी आ, अरे चल तेली का तेल चले और मसाल अरे बड़ी बहू देखो ना लौकी चुरा रही थी, ना जाने कहां कहां से माल चुरा के लाई है मुझे उसी। राम 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 राम, इस उम्र में चोरी? हाँ? क्यों चाची, बिना पूछे लौकी काहे तोड़ी? अरे बड़ी बहू हम तो लौकी तोड़कर तुमसे पूछने आ रहे हैं, चोरी करके पूछने आ रही थी। अरे चोरी थोड़ी की, हाँ, हाँ, बड़ी सावकारी बता रही है। घर खुला है, जा ना। अरे जा जा, छोड़ मेरी लौकी, लौकी ना ले, जा जा, देखो हम कह देते हैं। अरे बड़ी बहू सुबह सुबह बामन को दान देना तो सब होता है ना। अरे पर यहाँ तो नाम बड़े और दर्शन छोटे। खबरदार जबान संभाल कर बात कर चाची, इसी काली जबान के कारण ही तो ये हालत है तेरी। अरे तो तुम्हारी हालत कौन सी अच्छी है, इसी घमंड की वजह से तो बांझ हो। अरे चल बहन, किसके मुंह लग रही है, सुबह सुबह ऐसी बांझ औरत की सूरत देखने से पूरा दिन खाना नसीब नहीं हुआ है। चल बिल्कुल ठीक कहे थे बहन, चल। काहे काव काव करत हो? अरे तुम्हारा यही आंगन रहेगा काव काव करने के? चल भाग यहाँ से दूसरे घर में, मनहूस कहीं का। देखा बहू का जमाना आ गया, बूढ़ी लोग हो गई, घर में बैठ के राम राम करे के चाहिए और बतावा घूम घूम के चोरी कर रही है। ठीक घोर कल जुग आ गए बहू, ए देखा एक रायता बनाई की तरकारी, कहा बात काहे उदास हो गई? हम तो बहुत मनहूस है ईश्वरिया। मनहूस? जे तो है मनहूस का है ओकरे मुंह में आग लगा। उनका का दोष, हम तो बाज है ना, बाज को बाज न कहे तोर का कहे। कहा कह रही हो बहू, घर की लक्ष्मी कहीं बाज होता? हम कहे की लक्ष्मी, हम तो बहुत पापी है, भगवान ने सब कुछ दिया आंगन में खेलने के लिए। मन छोटा ना करा बहू, देखा कल जन्माष्टमी का त्योहार है, भगवान कृष्ण यही दिन जन्म लिए थे, तुम अपना आंचल फैलाओगी तो वो तुम्हें निराश नहीं करेंगे। अरे किशन भैया आओ, किशन भैया आओ, अरे बाहर क्यों खड़े भैया, आओ ना, आओ भैया आओ, आओ आओ भैया आओ, आओ भैया बैठो बैठो भैया बैठो। क्या बात है भैया, आज बड़े चुपचाप हो? हाँ ठीक ही है, जब मन में अशांति हो तो दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जगन, सर पर ढेर सारा कर्जा छोड़कर हमारे पिताजी का बचपन में ही चल बसे, एक एक पाई जमा करके हमने घर बनाया, शंभू को बड़ा किया और आज वही लोग। भैया भले आदमियों के साथ ऐसा ही होता रहा है हमेशा से। ए मुनिया जल्दी से जरा पानी का एक गिलास ला, जा। जगन, तू कुछ कह रहा था उस दिन? हाँ, समझ गया भैया समझ गया, पहले कह दिया होता तो अब तक नन्ना मुन्ना बच्चा तुम्हारे आंगन में खेल रहा होता। लेकिन दूसरी शादी कैसे हो सकता है? कैसे मेरे बाप की हुई? दो शादियां तो क्या, आजकल लोग 50 शादियां करते हैं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं पहुंचती। नहीं जगन, हम बदनाम नहीं होना चाहते। अरे तो हम वकील के पास जाकर तलाकनामा ले आते हैं, तुम जाकर सिर्फ छुटकारे की तैयारी करो जी। मगर वो, मगर क्या भैया, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ो ना, तुम जाओ जाकर छुटकारे की तैयारी करो। हाँ जाओ। ए तुलसी, गांव का इतना बड़ा रईस आदमी, आगे दौलत पीछे दौलत, तो उससे शादी करना चाहता है? क्या बकवास करता है? बकवास नहीं करता तुलसी, किशन भैया से शादी करेगी तो राज करेगी राज। तो तू कर लेना शादी। देखता हूँ कैसे शादी करेगी। तेरे साथ बहुत सारी बातों की सफाई करनी है। अरे सफाई वफाई तो होती रहेगी, देख इतना बड़ा मेला, बोल तो पूरी दुकानें खरीदू तुझे। हाँ अरे ये देख,
ये साड़ी देख, साड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ना। हाँ शंभू, हमारी साड़ी फट गई रे। अरे बड़ी बहू देख के तो बहुत खुश होगी। हाँ ये दुकानदार, अरे बांधो इसे जितने भी पैसे हो। ये बड़ी बहू शंभू की बोझाई ही नहीं, लुगाई भी है। अनाज का हिसाब किताब कर आएगा? किशन भैया आग जल गए, हुक्का ले आएं? नहीं जलने दे ऐसे ही। खाओगे सब की कसम? जरा सी पी। देखा शंभू कैसे पता लगा, कितने काम का आदमी है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो हमारे साथ। अरे आओ तो सही। हम कहा था जब आपस में निभ नहीं सकत है तो गले में फंदा डाले रखने से फायदा ही। किसके गले में फंदा डाले हैं? कौन डाले हैं? और कौन डाले, हम डाले। हम दिन रात चलत रात है, जीना हराम हो गया इस घर में। जब भगवान ने दिया ही नहीं तो इसमें हमारा का दोस्त? हाँ हाँ सब दोस्त तो हमारी है, एक खातिर तो कहा है हम के साथ रहने से का फायदा। लेकिन तुम ही बताओ हम क्या करें? करना धरना कुछ ना, हम सब बंदोबस्त करके आए हैं, बस सिर्फ इस पे दस्तखत कर दो। ये का है? छुटकारे का कागज। छुटकारा? हाँ हम तो उसे तलाक लेना चाहते हैं। हाँ जब कोनो मेल ही नहीं तो संबंध रखने से क्या फायदा। नहीं नहीं ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो, हम इस घर से कहाँ जाएंगे? अब तो इस घर से हमारा अर्थ ही निकलेगी। देखो इतने से बात के लिए हमें इतने बड़े सजाना, तो हम सच कहते हैं हम किसी भी कोने में पड़े रहेंगे तो हर सामने नहीं रहेंगे, हम तो हर पाँव पड़ते हैं। हम इस घर से निकालो, हम इस घर से निकालो। बहू तुम्हें बता, तुम्हें बताई तो रही है इसमें हमारे क्या कसूर है? हर कोनो कसूर नहीं चला उठा उठाता। आंखें बंद करो, देखो तो हम तो हार लेके आ लेकर आए। का है? अरे आंखें तो बंद करो, बता ना का है। अरे हम कहते हैं आंखें तो... हमें नहीं देखता, जब देखो तो बचपना करता रहता है मजाक। Thank you.
शंभु इतना चुप चुप क्यों है रे? बड़ी बहू को साड़ी पसंद आई क्या? देख चुपचाप चली जा, आज हमारा दिमाग बहुत खराब है। दिमाग ठीक भी कैसे रहेगा, बड़ी बहू नाराज हो गई होगी, तू तो उसके कहने पर उठता बैठता है। नहीं तो क्या तेरे कहने से उठूं बैठूं? नहीं नहीं, बड़ी बहू के सामने मैं कौन होती हूँ हुक्म देने वाली? वो आसमान से टपकी है, मैं तो धरती पर पैदा हुई हूँ। अरे हाँ। साली तू बड़ी बहू का मुकाबला करती है, तू तो उसके कदमों की धूल भी नहीं है। हाँ हाँ, बड़ी आई सती सावित्री। तूने मुझे मारा? हाँ हाँ, मैंने तुझे मारा। खबरदार, आइंदा तूने कभी बड़ी बहू के बारे में कुछ कहा तो तुम्हारी जान ले लूंगा, चल जाए। ठीक है। शंभू, ए शंभू, यहाँ खड़ा है, चल घर चल। हम नहीं आएंगे। अरे हमारी इतनी सी बात पर तू नाराज हो गया? हमारा कसूर यही है ना कि तुम्हारी साड़ी फट गई तो हम तुम्हारे लिए नई साड़ी ले आए। हाँ, तुम्हारे कहने पर हमने जगन का साथ छोड़ दिया, शराब छोड़ दी। हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए प्यार नहीं है। ऐसा ना कहा शंभू, इस दुनिया में तेरे सिवा हमारा है कौन? न जाने हम कौन से पाप का बोझ उठा रहे हैं। कभी कभी ऐसा मन करता है कि नदी में कूद कर जान दे दे। क्या कह रही हो बड़ी बहू, इससे पहले हम अपनी जान दे देंगे। तुमसे किसी ने कुछ कहा? नहीं, चल घर चल। पहले हमें वचन दो कि आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करोगे। अच्छा, नहीं कहेंगे, चल। कहाँ जा था? बाहर। काहे? सोने। तुम कहाँ जा था? हम चले जाते। बड़ी बहू हम जा रहे हैं शहर। अरे सरकार की चिट्ठी आई है हम लोगों के पैसे लेने जमीन के। कम मतलब ये ठीक नहीं है का? तुम्हें तो बहुत ताप है। नहीं समझ। तो हाँ पूरा जिस्म जल रहा है। हमें कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसी फिक्र मत कर। तू जा, शहर जा। अरे शहर जा, अगर हम शहर चले गए तो तेरी देखभाल कौन करेगा? फिर हमारे भैया कहाँ है? हम अभी डॉक्टर को लेकर आते हैं। नहीं समझो। अरे नहीं का। सुन तो। अरे सुन। लीजिए। हम शहर जा रहे हैं, ताप तो उतर जाएगा ना? जी हाँ, एक गोली अभी पानी के साथ दे दीजिए, बाकी दो दो घंटे बाद दो दो गोलियां दीजिए, बुखार उतर जाएगा। चलिए। नमस्ते किशन भैया। अब आ रहे हो बड़े भैया? क्यों ना आई का? अरे बड़ी बहू को कितना ताप है ये भी पता है का? हाँ सारी फिक्र तो तोहें पड़ी है, औरत हमा और हमदर्दी तोहें। बड़ी बहू की तकलीफ तुम देख सकत हो, हम नहीं। हम भी देखते हैं सब कुछ। देखो एक बात सुन लो, अगर बड़ी बहू को कुछ हो गया तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ क्या करेगा तू, निकल जाए इस घर से। हम काहे को निकले, हमारा भी तो हक है। ठीक है ठीक है, पंचों को बुला के बंटवारा कर लेंगे, तुम्हारी सदा देंगे। देखो एक बात सुन लो, ये धन दौलत ये जायदाद ये मकान तुम रखो, हम तो सिर्फ बड़ी बहू को लेकर अलग हो जाएंगे। अरे, ए शंभू, क्या कह रहे हैं तू? अरे हम ठीक कहते हैं। तुम लोग हमारे लिए काहे झगड़ा कर रहे हो? इस घर में हम मनुष्य है ना, हम एक दिन सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा मत बोलो बड़ी बहू, ऐसा मत बोलो, जाओ अंदर आराम करो। जा। हाँ, तू जा, आज हम भी इस बात का फैसला करके रहेंगे। अरे हाँ हाँ कर लेना फैसला, हम भी पीछे नहीं हटेंगे, फैसला भी होकर रहेगा। तुम लोग चुप हो जाओ, हम मैं कसम चुप हो जाओ। ठीक है बड़ी बहू, हम शहर जाते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, आने के बाद हम फैसला करेंगे। अरे जा जा, कर लेना आके फैसला। जिस थाली में खाते है उसी में छेद कर। Thank you.
साली तू बड़ी बहू का मुकाबला करती है, तू तो उसके कदमों की धूल भी नहीं है। खबरदार आएगा तूने कभी बड़ी बहू के बारे में कुछ कहा तो तुम्हारी जान ले लूंगा, चल जाएगा। जगन भैया। हाँ क्या बात है जगन भैया? तुम मुझे किशन के साथ शादी करने के लिए कह रहे थे ना? मैं तैयार हूँ। हाँ तैयार हूँ, मैं उस घर में सौतन बन के जाऊंगी और उन दोनों को सबक सिखाऊंगी। बारे राम 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 राम, ये तो घोर अन्याय हो रहा है। हमार तो अकल कुछ काम नहीं करत है। का हुआ परिया? अब का बताई बहू, बाहर बड़ा शोर हो रहा है। किशन भैया जगन के बहन तुलसिया से ब्याह करत है। हाँ बहू, हम अपने काने से सुन के आए हैं। अब हमारी समझ में आए कि किशन तलाक के कागज पर तो उसे कहे के दस्तखत करवाए। अरे तो घोर कलयुग है, घर की लक्ष्मी छोड़ के दूसर ब्याह करे का क्या जरूरत रही है? बहू जब ये घर में तोरे लिए जगह नहीं तो हम यहाँ रह के कहा करो? हम यहाँ ना रह, हम यहाँ ना रह बहू, हम यहाँ ना रह।